हाँ कौन सी? ब्लैक व्हाइट व्हाइट बुक कर, बल्कि व्हाइट थी हमारे पास। एक काम करो ब्लैक वाली, चलो हाँ ब्लैक वाली कर दो, ये बस मैं आ रहा हूँ 10-15 मिनट में। तो यार सीन कुछ ऐसा है, जलने वालों तुम लोग जल लो जितना जलना है। तो आज हम लोग जो है अपने पैसों से अपनी गाड़ी लेने जा रहे हैं। यार ये गाड़ी ऐसी है कि पिछली जो हमारी गाड़ी थी टेंटो को हम लोगों ने बेची, क्योंकि इसलिए उसके अंदर रिवर्स गियर था, और जो अभी हम लेने जा रहे हैं उसके अंदर भी रिवर्स गियर है, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो तुम लोग समझ सकते हो कौन सी गाड़ी है। हाय हाय। तो चलते हैं फिर लेने के लिए। चल असल में जल्दी रहो, दुकान बंद हो जाएगी। तो फाइनली हम लोग जो आ गए अपनी गाड़ी लेने के लिए। तो कहाँ से शुरू करूँ यार, मुझे नहीं समझ आ रहा। अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं जब बोलूंगा तो बस तुम लोग देखते जाना। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैनुअल गाड़ी चला रहा हूँ और व्लॉगिंग तो बहुत मुश्किल लग रही है मुझे। यार हम गाड़ी लेने गए थे लेकिन बारिश ने नाकाम कर दिया, ऐसा बर्बाद। फिर भी मैंने छोटी सी एक चीज ली है, तो वो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। अब ये मैनुअल गाड़ी ना मुझसे, तो मोबाइल भी पकड़ा हुआ, मैनुअल गाड़ी भी चला रहा हूँ, मुझसे नहीं चल रही है। चलते हैं हम लोग घर में, जो छोटी सी एक चीज है वो मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, देखो मैं तुम लोगों से ये कहने वाला था, हम लोग जो है 4x4 गाड़ी लेने जा रहे हैं। हम लोग गाड़ी लेने गए और लेकिन हमने जो गाड़ी लेने दी वो नहीं ली, यानी कि जो लेनी थी वही ली है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। वीडियो में मैं तुम लोग बता रहा था कि हम लोग दूसरी गाड़ी ले रहे हैं, लेकिन दूसरी नहीं ली जो हम अफोर्ड कर सकते हैं अपने पैसों से, तो हमने वो ली है। मैं तुम लोग दिखाने जा रहा हूँ वो गाड़ी। तो ये है हमारी गाड़ी और मैं अब इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ। यार ये अनबॉक्स तो नहीं होगी, खैर इसके ऊपर हम तुम लोग को दिखाते कि ये गाड़ी कैसी है। 3, 2, 1 बूम। तो ये हमारी गाड़ी, तो तुम लोगों को अभी इसकी मॉडिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। तो यार ये जो गाड़ी है ये मतीन भाई लेके आए थे पूरे 4-5 साल पहले। मतीन भाई लेके आए थे दुबई से और इतने सालों से ये ऐसी रखी हुई थी। तो मैंने जो है अभी कुछ दिन पहले स्टोर में से निकाली थी, पिछले साल कुछ ही दिन हुए पिछले साल को, तो मैंने निकाली थी और मैंने जो ये बनने के लिए दे दी थी। इसका थोड़ा सा मसला आ गया था, पानी वानी में बहुत चलाई थी तो अंदर जंग वंग आ गया था। खैर अभी बन के आ चुकी है और हम लोग जो है अब इसको चलाने वाले हैं। तो इसकी जो टॉप स्पीड है वैसे तो 70 किलोमीटर पर आवर या 70 ऐसी कुछ थी। हम लोग जो इस गाड़ी को पहले अपनी छत पे ड्राइव करने वाले। तो मैं तुम लोग एक और चीज बताता हूँ, ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले गाड़ी के ऊपर से कपड़ा हटाया था, ये मैंने अभी नहीं हटाया, ये मैंने कल हटाया था। तो कल ये सीन हुआ कि गाड़ी हम जैसे चलाने लगे तो गाड़ी के टायरों में पता नहीं क्या हो गया, वो सिर्फ सीधी जा रही है और वापसी आ रही है, यानी कि मुड़ नहीं रही थी। मैंने पूरी रात बैठ के इसके ऊपर जो है सर्जरी करी, इसका जो हार्ट वार्ट निकाला, किडनी में हार्ट अटैक आ गया था, मसला सारा ये था। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अभी जो है गाड़ी बिल्कुल सेट हो चुकी है, इसकी बैटरी लगाते हैं और फिर तुम लोगों को चलाते दिखाता हूं। ये आ गई हम लोगों की गाड़ी और मैं तुम लोगों को एक और चीज दिखाने वाला हूं। ये इस गाड़ी का दिल और इसकी जो किडनी विडनी थी वो थोड़ी सी आगे लगी हुई है। ये सारी चीजें जो है मैंने खोल के इसके अंदर ऑयलिंग करके सारी चीजें करने के बाद जो है इसको सेट कर दिया। अब इसकी जो बैटरी है वो बैटरी मैंने लगा दी है और अब हम लोग जो है इसको चलाने के लिए रेडी करते हैं। मैंने जो है अभी बैटरी लगा दी, आगे जो है इसकी 6 लाइटें लगी हुई है, 4 ऊपर 2 आगे, तो 6 लाइटें लगी हुई है और अब इसको हम चलाते हैं। इसका जो रिमोट है ये हमने ऑन कर दिया। इसकी जो ग्रिप है वो थोड़ी ज्यादा बन रही है, वरना ये बर्न आउट इतने मारती है। तो एक काम करते हैं हम लोग जो थोड़ा सा पानी फेंकते हैं यहाँ पे फर्श पे और फिर इसको बर्न आउट मार के दिखाता हूँ। काम करते हैं कि इस गाड़ी को लेके चलते हैं CVU और हम वहां पे चलाएंगे। तो अभी थोड़ी सी हम अंदर चलाते हैं, अंदर कमरे में देखते हैं वहां पे कैसी चल रही है। आ जाओ। Hey,
यार इस गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हम जो है कंट्रोल कर लेते हैं इसको। बाकी इसका जो ऊपर के स्क्रू स्क्रू थे मैंने पे ऐसे लगाए हैं, क्योंकि इसलिए मैंने बोला अगर दोबारा कोई मसला होता है इसके दिल विल में तो उसको दोबारा से करने के लिए मैंने लगाए हैं, इसलिए ऐसी खुली हुई है। इसको भी हम फिक्स करेंगे और फिर हम इसको लेके चलेंगे सीवीओ दो दरिया, वहाँ पे हम ट्रैक पे लेके जाएंगे और वहाँ पे हम लोग सुपर MK5 से या MK4 से रेस लगवाएंगे। अब तू थोड़ा सा ये चेक करो यार, ये हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके एकदम। तो इसके अंदर जो है ये आ गया हम लोगों का रिमोट, इस रिमोट में जो है ये स्टीयरिंग है, क्योंकि इसलिए अभी गाड़ी की बैटरी हो गई है डाउन, कब से चल रही है तो ये मुड़ नहीं रही, मुड़ने में पूरी सही से मुड़ती है। इससे जो है हमारी गाड़ी पीछे जाएगी, इससे जो है हमारी गाड़ी आगे जाएगी। और ये तो ज़्यादा आगे आ गई, और ये और दबा के रखेंगे, एक तरफ मोड़ के रखेंगे तो गाड़ी के हो जाएंगे बर्न आउट, ऐसे कुछ इस तरीके से बर्न आउट लगेंगे गाड़ी के। लो भाई ये दीवार में भी लगेगी, हाँ ये मैं बताना भूल गया था, गाड़ी जो है दीवार में भी लग जाएगी अगर तुमसे कंट्रोल नहीं होती तो। इसके अंदर जो मैंने चार सेल लगाया, ऊपर एंटीना था ये बनने के लिए दी, तो एंटीना शार्ट हो गया, मैंने कहा शार्ट पाकिस्तान हो गया। अब मैं तुम लोगों को रिमोट की सारी चीज़ें बताती, तो मैं तुम लोगों को गाड़ी के बारे में फंक्शन बताता हूँ। ये आ गई सबसे पहले हमारी गाड़ी की जो बॉडी है, ये आ गई हमारी गाड़ी की बॉडी और फिर इसके चारों टायर। तो इस गाड़ी के अंदर जो ये एक फंक्शन ये है कि इस गाड़ी के अंदर लगी हुई शाफ्ट, और इस शाफ्ट से जो है चारों टायर घूमते हैं। तो ये शाफ्ट जो है ज़्यादातर बड़ी गाड़ियों में लगी हुई होती है, ट्रक में और जितने भी V8 के जो इंजन होते हैं जिससे चारों टायर घूमेंगे। ये देखो तो अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर ये है कि सिर्फ एक मोटर लगी हुई है, और वो मोटर मुझे नहीं पता कितने वाट की है, वो मोटर ये रही। और फिर इस गाड़ी का ये कार्ड आ गया, आगे पूरी जंपे हैं, पिछली भी जंपे अच्छी वाली दी हुई है, ये देखें पूरी जंपे दबती हुई है इसकी। ये आ गई हमारी इसकी बैटरी, ये बैटरी मेरी गुम हो गई थी तो अभी हम लोगों ने नई बैटरी ली है। बाकी इस बैटरी को तुम लोग चेक कर सकते हो, अगर ये तुम लोगों को कहीं मिलती है तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि इसलिए मैं 2-3 और ले लूँगा, और 2-3 लेने के बाद जो है हम लोग इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा लंबे टूर पे लेके चलेंगे। इसकी गाड़ी की मॉडिफिकेशन जो है हम लोग जो है सदर में कॉपरेटर मार्केट और गुल प्लाजा है, वहाँ पे जाके हम लोग जो है मॉडिफिकेशन भी कराते रहेंगे थोड़ी बहुत, और बहुत सारी चीज़ें हो सका तो एक गाड़ी और ले लेंगे हम, और फिर उनकी रेस करवाएंगे आपस में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सीवीओ चलेंगे हम लोग कल परसों जब भी जाएंगे अगले ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इसमें ये गाड़ी की बैटरी भी फूल गई है, तो बहुत ज़्यादा फूली हुई है बैटरी है, वो डाउन हो गई है बैटरी। हम लोग चार्ज पे लगाते हैं और मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है, हो सकता है कि हम लोग इसी मौसम में चले जाएँ जैसे कि आज और कल। तो हम लोग निकलेंगे सीवीओ, और सीवीओ हम गाड़ी लेके जाएंगे, वहाँ से हम गाड़ी चलाएंगे, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चलो अल्लाह हाफिज़। यार मैंने ब्लॉग तो खत्म कर दिया था, लेकिन मुझे बाहर गाड़ी की पटाखों की आवाज़ें आ रही है सामने रोड में से। Жизнь это будто бы ёбаный твой.